हेलो गाइस, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स अगेन। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ए टू जेड अबाउट सिविल इंजीनियरिंग की लाइव ऑनलाइन क्लास के अंदर। और गाइस, ये हमारी 10th क्लास है। अब तक हम लोग सिविल इंटीरियर्स के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पे सीख चुके हैं, और आज एक बार फिर से हम लोग इलेक्ट्रिकल का जो हमारा टॉपिक है उसको कंटिन्यू करेंगे। और इलेक्ट्रिकल में कल हमने जो है बीयूक्यू को स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रिकल बीयूक्यू को कैसे रीड आउट किया जाता है, और आज हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज, अगर आप लोगों का किसी का भी कोई डाउट होता है, कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं, तो आप अपना हैंड रेज करके जो है यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो गाइज, बिना किसी देर के हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। दिखा देता हूँ कि किस तरह से जो है अर्थिंग का जो है प्रोसेस रहता है, और उसको कैसे हम लोग जो है ये पत्तियां किस प्रकार की होती है, ठीक है। कॉपर स्ट्रिप जो है आपकी इस तरीके की पत्तियों को हम लोग जो है यहाँ पर यूज करते हैं, किसके लिए, हमारे अर्थ जो है अर्थिंग के लिए, ठीक है। तो ये देखिए, ये है हमारी कॉपर की स्ट्रिप्स, इस तरह की पत्तियां हम लोग यूज करते हैं। देखा होगा, कभी आपने देखा होगा, एक एंड पे जो है यहाँ पर नट बोल्ट के थ्रू जो है जहाँ पे हमारी अर्थिंग प्लेट रहती है उस पर हम लोग टाइट कर देते हैं, और दूसरे एंड को जहाँ पर हमारा लाइटिंग अरेस्टर रहता है वहां पर हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये अर्थिंग के लिए जो है ये इस तरह की जो है हमारी कॉपर स्ट्रिप का यूज किया जाता है। इसी तरह से हमारी जो है एक होती है जीआई की स्ट्रिप भी होती है, ठीक है, जीआई स्ट्रिप भी होती है, इनको भी हम लोग अर्थिंग के लिए यूज करते हैं। ये देख पा रहे होगे, ये है जीआई की स्ट्रिप्स, ठीक है, वो कॉपर की स्ट्रिप थी और ये जीआई की स्ट्रिप है, इनको हम लोग यूज करते हैं अपने अर्थिंग में, ठीक है। अब इनको कहाँ फिक्स किया जाता है उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। पहले हमने दिखाया आपको जीआई स्ट्रिप, और प्लास्टिक होता है ना बाहर से जो उसका पीवीसी मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा धुआं निकालता है, ब्लैक कलर का बहुत ज्यादा फॉल्स एयर जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो भी आप केबल यूज कर रहे हो तो उसमें जो मटेरियल आप कर सकते हैं, तो वहां पर जो है ज्यादा जो है कंज्यूम होता है इलेक्ट्रिसिटी, और उसमें जो है पूरी की पूरी, तो ये इस लग से जो है लग्स के थ्रू हम तार को कनेक्ट कर देंगे इस स्ट्रिप पे, और फिर जो है यहाँ से अर्थिंग जो है ये पूरी जाएगी। और अर्थिंग के लिए हम लोग अर्थिंग पिट बनाते हैं, तो यहाँ देख पा रहे हो अर्थिंग पिट जो है यहाँ पे बन रखा है, और यहाँ पर फिर ये प्लेट इसमें वो कर रखी है, इम्बर्ड कर रखी है, ठीक है। और उसके बाद जो है बाद में क्या करते हैं, जब हम इसके ऊपर सीरियस, अगर आज की डेट में हम बात करें, अगर आप सीखना चाहते हैं ऑटो कैड में ड्रॉइंग को बनाना, या ऑटो कैड ड्रॉइंग के प्लान सेक्शन एलिवेशन रीइन्फोर्समेंट ड्रॉइंग को पढ़ना सीखना, या सीखना चाहते हैं क्वांटिटी सर्वेइंग में एस्टिमेशन बिलिंग टेंडरिंग को, या सीखना चाहते हैं ऑटो लेवल टोटेशन जैसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट को चलाना, या QAQC के लैब टेस्ट को परफॉर्म करना, या प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और सेफ्टी कोर्सेज के बारे में नॉलेज गेन करना, तो आपको इन में से हर एक कोर्स के लिए दोस्तों कम से कम 5,000 रुपए पे करने होते हैं, वो भी केवल रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस के लिए, जहां पर कि आपके डाउट्स भी क्लियर नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, आपकी इस प्रॉब्लम को अपनी खुद की प्रॉब्लम समझ के परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स लाया है A to Z अबाउट सिविलिंग कोर्स। इस कोर्स में हम आपको सीखने का मौका दे रहे हैं दोस्तों 80 से ज्यादा सिविल जॉब ऑपर्चुनिटी स्किल और 17 से ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की क्वांटिटी सर्वेइंग को। दोस्तों, यहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं लाइव ऑनलाइन क्लासेस प्लस 250 से ज्यादा रिकॉर्डेड वीडियो हमारी खुद की एप्लीकेशन के ऊपर, जिनको कि आप 24/7 जो है दोस्तों कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों, इस कोर्स में हम आपको दोस्तों A to Z अबाउट सिविलिंग का सिखा रहे हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस में। दोस्तों, अगर आप एक स्किलफुल सिविलियंस बनना चाहते हैं तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से PIFC की एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों एंड्रॉइड और iOS दोनों के ही लिंक्स मिल जाएंगे, जहां से कि आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविलियंस A to Z अबाउट सिविलिंग कोर्स के अंदर आपको सीखने का मौका दे रहा है दोस्तों क्वांटिटी सर्वेइंग में एस्टिमेशन बिलिंग टेंडरिंग। दोस्तों, हम आपको सिखा रहे हैं बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग, इंटीरियर फिट आउट की क्वांटिटी सर्वेइंग, MEP की क्वांटिटी सर्वेइंग, दोस्तों साथ में इलेक्ट्रिकल, HVAC, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग, दोस्तों साथ में रेट्रो फिटिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग, दोस्तों साथ में STP, WTP, प्रिंजिंग, बिल्डिंग की क्वांटिटी सर्वेइंग, और ये सब कुछ आप हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस के साथ में सीखते हैं। दोस्तों, साथ में हम आपको सिखा रहे हैं ऑटो लेवल टोटेशन को चलाना, साथ में आपको QAQC के लैब टेस्ट, प्लानिंग सॉफ्टवेयर, डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, जियो टेक्निकल और सेफ्टी कोर्सेज के बारे में भी आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। दोस्तों, ये सब कुछ आप बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स फीस में परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की एप्लीकेशन के थ्रू और हमारी लाइव ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू सीख सकते हैं। अगर आप एक स्किलफुल सीनियर्स बनना चाहते हैं तो आज ही परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सीनियर्स की एप्लीकेशन PIFC को अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की A to Z सिविलिंग की स्किल्स को सीखिए, ऊपर उसको लगा दो, ठीक है। तो वो जब आपके लाइटिंग होगी ना, तो वो लाइटिंग के थ्रू जो है वो अर्थ में चली जाएगी, ठीक है।
तो वो हम लोग कर सकते हैं है ना। तो 4.2 मीटर की डेप्थ तक होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो दो केबल ट्रे भी आपस में जुड़ रही होंगी ना, तो वो जुड़ेंगे आपकी, ये देख रहे हो यहाँ पे, ये भी केबल ट्रे है, ठीक है, ये भी केबल ट्रे है। तो ये जो होल्स हैं इसमें जो नट बोल्ट हम लोग लगाएंगे, तो वो भी आपके कैसे होने चाहिए, वो भी आपके होने चाहिए GI पावर कोटेड, ठीक है, वो भी पावर कोटेड होना चाहिए। तो देखिए ये केबल ट्रे सीलिंग में चल रही है, ठीक है। केबल ट्रे मैंने आपको बताया था कहाँ लगती है, केबल ट्रे होता है ये, उसको बोला जाता है लैडर टाइप केबल ट्रे, ठीक है। ये आएगा जिसमें 10 लग सकती है, वो जैसे इसमें देख रहे हो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो आ रही है वो केबल, और फिर इस पे हम लोग DB से जो आ रही है, दूसरे एंड कहाँ कनेक्ट है हमारा, DB पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे। ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो सब डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स पे आप इसको कनेक्ट कर दोगे। तो इनको कहा जाता है बस बार, ठीक है, ये है हमारी बस बार, कॉपर की होती है, इनको हम लोग बस बार कहते हैं। ड्रॉइंग्स आपके पास हैं, BOQ आपके पास है, ठीक है, इनको ड्राइंग करो। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हो कभी भी फ्यूचर में भी, ठीक है। और आज हम लोगों का इलेक्ट्रिकल का जो है वो भी यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, और हम इसकी जो कैलकुलेशन है ना इसको हम लोग बाद में करना सीखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम आइटम्स को जान रहे हैं, प्लस हमारा जो है BOQ में जो आइटम है उनके बारे में हम लोग नॉलेज ले रहे हैं, ड्रॉइंग को पढ़ना सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये हम तीन चीजें मेजर कर रहे हैं। क्वांटिटी निकालना हम आगे सीखेंगे, ठीक है, एक बार ही हमारा ये हो जाएगा फिर हम क्वांटिटी निकालेंगे, आगे जब हमारा प्रोजेक्ट आएगा ना, प्रोजेक्ट के टाइम पे हम लोग क्वांटिटी टेक ऑफ करना सीखेंगे। अभी हम क्या सीख रहे हैं, ड्राइंग पढ़ना, आइटम को एक्नोलॉज करना, मतलब आइटम्स के बारे में, ताकि आइटम्स से आप फैमिलियर हो जाओ, क्योंकि अगर मैं अभी क्वांटिटी सर्विंग सिखा दूंगा तो आप पकड़ ही नहीं पाओगे। तो जब तक आप गो थ्रू नहीं करोगे BOQ को, आपके पास है BOQ, उसको गो थ्रू करो, और जो है आपका ड्राइंग्स आपके पास है उसको गो थ्रू करो, ठीक है गाइज। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये क्लास सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी, और इसमें कुछ काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में हम लोग करने वाले हैं स्टार्ट HVAC को। तो गुड नाइट गाइज़।